कस्तो लाग्यो मेरो हेयरकट? बाबालाई सानो खालको हेयरकट मन पर्छ नि त। नाइस हेयरकट, लामै कपाल पनि राम्रै देखिन्छ। त्यसो भए म फेरि बढाउँछु। सारे भारतवासी और नेपालवासियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। अगर आप मैजिकल रिएक्शन पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरे वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और पोस्टर देख के आप लोग समझ गए होंगे, जी हाँ, नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूँ। जी हाँ, वैसे ही मैं यूट्यूब चला रहा था तो ऐसे स्लाइड करते करते एक बड़ा अच्छा सा थंबनेल आया मेरे सामने। पोस्टर बड़ा अच्छा लगा कि एनिमल मूवी का ट्रेलर नेपाली में, तो उसका थंबनेल मुझे पसंद आया। वैसे मैं नेपाली में डब जो रिएक्शन कर चुका हूँ, जो कि सागर ओडी ने किया था, सागर ओडी को आप जानते ही हो, बहुत वायरल है, लेकिन ये कुछ अलग था। इसका पोस्टर मुझे पसंद आया तो मैंने सोचा कि यार सागर ओडी का तो मैंने बहुत रिएक्शन किया, तो मैं देखता हूँ ये नया कलाकार कौन है। और बता दूँ कि कोई सम्राट फिल्म्स करके कोई यूट्यूब चैनल है, तो उसमें ये अपलोड हुआ है। तो मैंने सोचा कि देखते हैं यार कि कोई और भी है क्या नेपाल में, जो कि नेपाल में नेपाली में डबिंग कर सकता है हिंदी को। तो यार ये थोड़ा एक्सपीरियंस अलग ही रहेगा, तो मैंने सोचा इसका रिएक्शन तो बनता है यार। सम्राट फिल्म्स के जो टीम है टैलेंटेड है, तो उनको सपोर्ट करना भी बनता है यार, है ना। जैसे मैंने सागर ओडी को किया था, और भी बहुत कलाकार है उनको भी करूँगा, तो ये एनिमल देखना कुछ अलग एक्सपीरियंस रहेगा। तो चलो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं एनिमल ट्रेलर नेपाली डबिंग। 1 2 3 एंड स्टार्ट। ओके बाबा, एउटा गेम खेलौ। म बाबा, तपाई छोरा, तपाईलाई थाहा छ म सकलासमा आवाज अच्छा लग रहा है यार। सो भइरा थियो बम्बईमा, तपाईलाई थाहा छ म माइकल ज्याक्सनको फ्यान हुँ। मेरा साथीहरू सबै जाँदै थियो तर म गइन, किनकि तपाईको बर्थडे थियो। त्यही दिनलाई रिप्ले गर्नु, तपाईले केही गर्नु पर्दैन। तपाईले खालि बाबा बाबा भन्नु र म तपाईको एक्टिङ गर्छु। ओके, मन लगाएर गर्नु बाबा, मेरो एउटै मौका छ। ओके, क्या बात है यार। एक्शन बाबा। बाबा बाबा बाबा, सुनिराखेको छु, पहिरो छैन म। He adores you. तिमी उसको लागि सुपर हिरो हौ। दिनमा 10 मिनट पनि दिन सक्नुहुन्न आफ्नो छोराको लागि? कस्तो लाग्यो? परफेक्ट। बाबालाई सानो खालको हेयरकट मन पर्छ नि त। नाइस हेयरकट, लामै कपाल पनि राम्रै देखिन्छ। त्यसो भए म फेरि बढाउँछु। मजा आ गया। तिमी फर्किदा म साह्रै खुसी थिएँ, तर तिमीले त लडाइँ सुरु गर्यो। सर, मर्यो त्यो। मर्यो त्यो। समयले बताउँछ, मेरो बुवाको लागि मेरो माया थोरै होस् या धेरै, त्यसले मलाई केही फरक पर्दैन। मैले भनेको थिएँ नि ज्योति, क्रिमिनल हो हाम्रो छोरो। अच्छेकी आवाज थियो। तिम्रो बाबाको लागि तिम्रो माया स्नेह होइन रोग हो। I really wish you died today. ये तो ठीक है। म फर्के हजुर बुवा, अब म कहीँ जान्न। कसले पनि मेरो बाबामाथि गोली चलायो, बलवीर सिंहमाथि गोली चलायो, म कसम खान्छु यही हातले म त्यसको घाँटी काट्छु। पर ये जो डायलॉग है ना सागर ओडी का, देखना आप, मजा आ जाएगा। अपने हाथ से गर्दन काटूंगा, सागर ओडी का अच्छा लगा। प्लान गर्नु भन्दा अगाडि सोधेको भए पनि त हुन्थ्यो। अब देखि त म जानै छ यो कुराहरु गर्छु, सधैँ म तपाईको परमिसन लिन्छु। You're fighting ghost in your head. Do you even realize that? Oh, bhutsanga lardina ma tesa khanchu. Sagar ne matlab khai dinchu bola ta sagar ne. Aaja bata tapai lai kasari dukha diyo bhane. Duniya chalai dinchu baba. To ye scene to dekhne hall ma maja aa gaya tha, goli wala. Hollywood mein bhi nahi dekha hoga aapne gun wala scene. Ye Bobby Deol ji. गया कुछ बाबा, सारी दुनिया जला देंगे। बॉबी देओल का सबसे मस्त काम लगा था, थोड़ा सा था लेकिन रणबीर कपूर को खा गया। और ये सिगरेट वाला सीन तो अलग ही था।
एक दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। अब जाके अगर आप खत्म। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त। काम लड़के ने अच्छा किया है, जो रणबीर कपूर का आवाज है या फिर जो उसकी माँ का या फिर रश्मिका का, अनिल कपूर का, ये सबका ठीक है। ये बच्चा बोलता है ना जो, वहाँ पे यार थोड़ा मिस्टेक कर दिया। आपको एक बच्चा ढूंढना था और उससे थोड़ा सा कुछ रिकॉर्डिंग करवा के डाल देते तो हो जाता, लेकिन वो जचा नहीं थोड़ा। मतलब सम्राट फिल्म्स आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना कि बच्चे की आवाज़ है तो बच्चे का ही चाहिए। अगर आप लड़की की आवाज़ में लड़के की आवाज़ डालेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो हाँ, ऐसा हो सकता था कि जैसे जो जिसने माँ का रोल किया है, माँ का जो आवाज़ दिया है, आपकी जो रणबीर कपूर की माँ का और रणबीर कपूर की वाइफ का, उसी को बोल देते थोड़ी सी आवाज़ पतली करके बच्चे की आवाज़ दे दे, जैसे कि लड़की की आवाज़ है, है ना। तो उसको बोलते कि ऐसे कर, मेरे पापा को लाइक करती मैं, ऐसा कुछ कर देते तो वो भी चल जाता। लेकिन आपने बड़े बच्चे की आवाज़ डाल, मतलब बड़े आदमी की आवाज़ डाल के गलती कर दी तो एकदम पकड़ लेगा बंदा। क्योंकि आपने कोशिश की है भाई कि एनिमल मूवी का ट्रेलर, हिंदी ट्रेलर को नेपाली दिखाने में, तो बंदा आपसे पूरी उम्मीद रखेगा कि आप अच्छा ही करेंगे। वहाँ पे एक मिस्टेक होते भी बंदा जैसे मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, आपने वीडियो में देखा होगा, जैसे ही वो आवाज़ आई मेरा मुँह ऐसा हो गया था। क्यों? क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था वहाँ तक, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ कर दिया आपने। बाकी और जो काम किया मुझे उसका अच्छा लगा। हाँ, एक चीज़ और कि जो वो शपथ लेता है ना रणबीर कपूर की, जिसने भी मेरे बाप पे गोली चलाई है ना, मैं उसका गला अपने हाथ से काटूंगा, ऐसे वादा करता है। वहाँ पे आप सम्राट फिल्म्स को कहना चाहूँगा, आप सागर ओडी की चैनल पे जाओ और एनिमल का वो देखो, 210,000 व्यूज़ है उस वीडियो पे, एनिमल के ट्रेलर पे। आप जाके देखो और वहाँ पे देखो आवाज़ उसकी सागर ओडी की, कि मैं अपने हाथ से गर्दन काटूंगा, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ दी उसने। और आप भी अच्छा काम कर रहे हो, जल्दी ग्रो करोगे, उम्मीद रखता हूँ। इस ट्रेलर को, नेपाली डब को 10 में से मैं 7 देना चाहूँगा। अगर वो बच्चे का, अगर आवाज़ बच्चे का भी होता तो भी मैं 8 देता, तो मैंने 1 पॉइंट बच्चे काट दिए। अदरवाइज मुझे काम आपका ओके लगा, बहुत अच्छा काम करोगे आगे जाके, उम्मीद रखता हूँ। तो चलो, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का, भाई बहन का, दोस्तों का, पड़ोसी का और मेरा भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, और इस वीडियो पर लाइक कमेंट इसको शेयर जरूर कर दें। और कमेंट करके बताइएगा आप लोग जो इस वक्त देख रहे हैं कि आपको ये नेपाली डब ट्रेलर कैसा लगा, मुझे तो अच्छा लगा। तो चलो, मिलते हैं ऐसे अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय नेपाल, जय भारत।